राइट। सो विभाग दे मुखी सन, पंजाबी डिपार्टमेंट दे, ठीक है, पंजाबी विभाग दे मुखी, क्लियर है। सो केड़ी यूनिवर्सिटी सी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब नहीं, ठीक है। उस तो बाद पटियाला, इन्हों का अध्यापन की सी, सॉरी अध्यापन इन्हों का किता सी, किता की सी अध्यापन का, ठीक है। सो इस तो बाद विच इन्हों का केड़ा नाटक सी जिसनू केड़े वालों पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी दिल्ली, दिल्ली साहित्य अकादमी दिल्ली वालों पुरस्कार मिलिया, किस लिए मिलिया, कल अज ते पलक लई, ठीक है। दो तीन काव्य रचनावां केड़िया केड़िया हो सकदियां ने, रत्ता सालू, कमला कुवारी, ठीक है, ओके राइट। सो इन्हां दा देहांत कदों होया, ठीक है। बाकी आपां इक अंगी बारे पढ़ रहे सी, असीं आ गए सी कि परता उठण समय किसकी आवाज़ सुनाई दिंदी है, मी हनेर, ठीक है। असीं कित्थों तक पढ़ लिया सी, इह ज़फ़रनामा जदों जीनत दी एंट्री, शाही हकीम दी एंट्री हो गई सी, ओके, ठीक है। सो आवाज जदों उन्हों बोलदी है, ठीक है, कि उन्हें अपने पिता, पिता दा नाम शाहजहान दा उन्हें कत्ल करवा दिता सीगा, सेम वो कहंदी है कि हुण तेरे बेटियां दे विच की शुरू हो गया, खाना चंगी शुरू हो गई, किस लई, मुगल तख्त ताश लई खाना चंगी शुरू हो गई, ठीक है। फिर उस तो बाद विच उन्हों थोड़ा बहुत एहसास हुंदा है, तां उन्हों फिर नारे सुनाई दिंदे ने, नारे किहदे सुनाई दिंदे ने उन्हों, बजरंग बली, हर हर महादेव, ठीक है, उधरों दी आलमगीर जिंदाबाद, क्योंकि दोनों फौजा इकट्ठिया हुई सन, ओदियां भी तो ओदियां भी, हाँ जी। फिर उस तो बाद विच उन्हों लगदा, आवाज उन्हों कहंदी है कि तेरे तो यह सारे लोकी दुखी हन, केड़े केड़े लोकी, सूफी संत, पूरी हिंदू जाति, पंडित, सिख, सारे कहंदा तेरे तो दुखी ने, क्योंकि तू 48 तो 50 साल सिर्फ प्रजा दा की खोया है, चैन खोया है, ठीक है। उस तो बाद विच उन्हों लगदा है कि जिन्ने सिंह ने वो किथे इकट्ठे हो गए, गुरु दे झंडे थले इकट्ठे हो गए, ठीक है, इथों तक। उस तो बाद विच फिर आवाज दे डायलॉग जड़े ने वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर एंट्री केदी हुंदी है, जीनत दी, जीनत दी एंट्री हुंदी किद्दां आ, कि ओनू आप बुलांदा हो नहीं, फिर ओनू भेजता कौन है, ओ चीका मार रहा हुंदा, ओदियां चीका सुन के जीनत, जीनत नू फिर भेजता कौन है, बेगम उदयपुरी, बेगम उदयपुरी आप क्यों नहीं खांदी, ओनू डर लगदा आ कि वो औरंगजेब तो बहुत ज्यादा डरदी आ, ओनू लगदा है क्योंकि औरंगजेब नू बिलकुल पसंद नहीं कि ओदी परमिशन तो बिना कोई अंदर आ जाए शाही महल, ठीक है। फिर जीनत जाती है अंदर, ते जीनत नू की कहंदा है, मेनू तू मारना चाहती है, ओनू इदा लगता है कि ओनू कोई मारन आया ना, ओनू डर लगा रहिंदा सीगा कि शायद जीनत, ओ फिर जीनत कहंदी है कि मैं तुहाडी बेटी जीनत हाँ, हाँ ठीक है, ओके। उस तो बाद विच ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਮਤ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ, ਬੇਗਮ ਉਦੇਪੁਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਬੋਲਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ,
क्योंकि उन्हें तो उन्हें कहना ही है, वह तो वो हक में ही बोलेगा ना, कभी विरोधता बोलेगा नहीं। फिर ओनू दवाई दिंदा आ, दवाई खा लैंदा वो नहीं खाता, पहला कहिंदा तू खा क्योंकि वह शक्की इंसान है, शक्की मिजाज का, ठीक है। फिर शाही हकीम ओनू दवाई दे के चला जाता, फिर एंट्री कि होंगी है ते जेड़ा औरंगजेब है वो बेगम उदयपुरी नू किसनू इतलाह करन लई बोलता है, इतलाह करन लई किनू बोलता है, नहीं इतलाह मतलब खबर, हां जी हां जी गुड, ठीक है। इतलाह देने लई किनू बोलता, कामबख्श नू। हुण कामबख्श है कौन गल दस्सिओ सी, बेगम उदयपुरी ते औरंगजेब दा बेटा। हाँ ओनू इतलाह तो नहीं भेजी तू, वह कहती कि मैं नहीं भेजी, इतलाह मतलब खबर, ओदी बीमारी की खबर, वह कहती मैं भेजी नहीं, ठीक है। और तो अलावा कि कामबख्श का नाम नहीं आता, राइट। फिर उस तो बाद बेगम उदयपुरी भी चल जाती है, शाही हकीम भी चल जाता, फिर अस्त खान की एंट्री होंगी है, ठीक है। हुण अस्त खान कहता है कि उन्हें पूछता है कि तुसी मैनू अपनी बीमारी जो भी तुहानू होया है, अपनी जड़ा तुहाडा मन है अशांत है, रीजन दसो। फिर वो रीजन दसना शुरू कर देता है, ठीक है। उस तो बाद फिर वो की कहता है, अजमत वाला पीर है गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने मैनू एक चिट्ठी भेजी है, पैगाम भेजो, उस पैगाम का नाम की है जफरनामा, जो कि केदे हाथ आया है, भाई दया सिंह हाथ, ठीक है। ते किनवा खत है, दूसरा खत है, पहली बारी वो मिलन नहीं गया, दूसरी बारी अस्त खान ही सलाह दिंदा है औरंगजेब नू कि तू दूसरी बारी उन्हां नू किथे मिल, मालवे दे कांगड़ नगर विच मिल जाके। ते ओ दो जड़े पर्सन्स ने अगो कहंदा कि तुसी खुद उन्हू चिट्ठी लिखो, किनू लिखो, गुरु गोबिंद सिंह जी नू। फिर वो दो पर्सन केड़े सी, वीर मुंशी ते भाई दया सिंह, क्योंकि दया सिंह हथों ही चिट्ठी आई हुंदी ते ओही दो पर्सन सी जिन्हां उत्ते ओह ज्यादातर विश्वास कर सकदा सी, ठीक है। उस तो बाद विच फिर वो कहंदा मेरे दो जड़े बंदे ने ओह गुरु जी दे नाल जा रहे, उन्हां दा नाम की सी, सैद खान, ठीक है। खान तुहाडे इधर लिखा होया, उहदा मतलब खान, ते रमजान खान, ए केदे बंदे सी, औरंगजेब दे जाके केदे नाल रले, गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल जाके फिर रल गए सी, उहनां दी फौज विच जाके रल गए सन, ठीक है। फिर उस तो बाद विच औरंगजेब हौली हौली करके अस्त खान नूं दसना शुरू करदा है कि मैं किदां गुरु गोबिंद सिंह जी दे पिता जी, जो कि सिखां दे नौवें गुरु सन, उहनां नूं शहीद करवाया सी, किथे शहीद करवाया सी, दिल्ली दे चांदनी चौक विच, ठीक है। फिर वो कहंदा उन्हां नूं मारन दा हुक्म दित्ता सी औरंगजेब ने, दित्ता सी, छोटे साहिबजादे नूं मारन दा हुक्म नहीं दित्ता, उन्हां नूं सिर्फ कहा सीगा कि तूं उन्हां नूं कैद कर ते उन्हां तों धर्म परिवर्तन करवा, जबकि वजीर खान ने औरंगजेब तों पुछे बिना ही उन्हां नूं मार दित्ता, छोटे साहिबजादे नहीं पुछया। देखो ओ सिर्फ गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिता सी ता या क्या सी का भी धर्म चेंज करवा लो भी मुसलमान बन जाओ, पर मारन का हुक्म नहीं सी उन्हें दिता, एदी यही गल दा ते उन्हें पछतावा सी ना एंड ते। फिर जीनत भी तो यही कहती ना, तुसी छोटे छोटे बच्चे नू मारे हो, कहना मैं बच्चे नू मारन का हुक्म दिता ही नहीं सीगा, ठीक है। पर किते ना किते गलती तो ओदी सी, राइट, उन्हें ही हुक्म दिता सी ना उन्हां नू बंदी बनाउण दा, ठीक है। उस तो बाद विच फिर अस्त खान नू सारा कुछ दसता है, अस्त खान ओदा की है, खास तौर से अहलकार है जो कि चंगी सलाह दिंदा है, ठीक है। फिर अस्त खान दी जीनत आ जाती है, अस्त खान चल जाता है, हाँ जी गर्म पानी लेके आंदी है, दवाई खाण लई लेके आंदी है ना। फिर जीनत पुछदी है, फिर वो जीनत नू सारा कुछ दस दिंदा जो उन्हें अस्त खान नू दस्या हुंदा। फिर एक नमाज है, केड़ी नमाज है वो, जफर दी, फजर दी, फजर फजर दी नमाज दा वक्त हो चुका है, तो कहंदा तू मेनू
मस्जिद लेके जा, ठीक है। फिर जीनत नु भी सारा कुछ हो ही दसता है। जीनत पोस्ट कर दी है कि अपने आप ही दस दिंदा? पोस्ट कर दी है। अलसे खान पोस्ट करता सी? अलसे खान अपने आप ही दस दिंदा सी क्योंकि ओते विश्वास करता सी, ठीक है। जीनत नु वो सारा कुछ दस दिंदी है। उस तो बाद विच ठीक है जीनत ओनू लानता पांदी है, ओनू कहंदी है कि तुसी बहुत जड़ा है माड़ा काम किता है, ठीक है। तुसी हाँ रब तो डरते हो, प्यार नहीं करते। जे तुसी रब नू प्यार करते फिर तुसी रब दे बनाए हुए बंदियां नू प्यार करते, ठीक है। और एंड ते जड़ा एक महाराष्ट्र वाला आया सी वो किथे है? बच्चा किसनु कड़न ले? औरंगजेब नु, क्योंकि और डायलॉग कितों शुरू हुंदा है वाला किहदे नाल गल कर रहा हुंदा ओह उस टाइम ते? अब्बास नाल। ओके देखो लिखा होया है तुहाडे पेज नंबर 106 ते कि अब्बास कहंदी है महाराष्ट्र दा बच्चा बज्जा मुगलां नु दक्खण विचों कड़न लई उठ खड़िया है। पेज नंबर 106 आवाज का सेकंड डायलॉग है। अच्छा एक और है कि जीनत दे नाल नाल गुरु जी नु कौन अजमत वाला पीर मंदा सी? मौजम, शहजादा मौजम। बट एदा किते ना ओ कोई रिलेशन नहीं आया, पर वो शहजादा मतलब औरंगजेब दा बेटा हो सकता है। 111 पेज किथे? लाइन बोलोगे अमृत? हां जी 19 लाइन। पूरी लाइन बोलो। ओके ठीक है। हाँ मुअज्जम शायद नंदलाल गोवा दे असर करके। एनु अंडरलाइन कर लो बेटा, ठीक है, क्योंकि तू ते मुअज्जम गुरु जी दे हक विच कौन बोलदा है? जीनत उननिसा ते मुअज्जम, ठीक है। केसे करके? नंदलाल गोवा दे असर करके, ठीक है। नंदलाल गोवा क्लियर है? ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये 111 पेज से है तुम्हारा जिथे लिखा होया है किथे गया? क्योंकि तू ते मुअज्जम हमेशा गुरु दे हक विच बोलदे रहे शायद नंदलाल गोवा दे असर करके। जीनत दा किन्ना डायलॉग है? 14th टोटल 14th डायलॉग। देखो जरा जो ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੁਣਾ। ਓਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੰਗ ਅਤੇ ਰਾਗ ਨੂੰ, ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਨੂੰ? ਰੰਗ ਅਤੇ ਰਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਤੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮੁਗਲ ਤਖਤੋਂ ਤਾਜ ਲਈ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ,
30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 50 ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ 48 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਬੋਥ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਕਿਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੌਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ 48 ਸਾਲ 48 ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੀਨਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰਾਗ ਬਸ ਜੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਅਸਤ ਖਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨੇ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨੇ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗਾਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਓ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੀ ਸੁਣਾਤੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੀਨਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਵਾਈ ਕੁਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਖੰਜਰ ਸੀ ਕਿ ਤਲੋ ਸੀ ਸੋਟੀ ਸੋਟੀ ਸੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਸੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਜਰ ਸੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਖੰਜਰ ਖੰਜਰ ਮਤਲਬ ਚਾਕੂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਦਰਾ ਕੱਦ ਮਦਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੋਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਖਤ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਸ਼ਨ ਕੌਣ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ
इस तो इलावा जिहड़े मैं तुहानू क्वेश्चंस करवाए ने एक बार उन्हां नाल भी गो थ्रू हो जाइयो, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा बुक होर होएगी मैं उहदे विचों भी लिया दवांगी, ठीक है।